इतने अहम खबर दूं पा कंबर में जिते गोठ राहुजा आउटिया में माल चारण के मामले तां बिन धुरन में जेड़ो थी पियो नींगर धनार कतल थी वियो आहे संदस भाव जख्मी थियो आहे चांडिया बिरादरी के बिन धुरन में जेड़े दौरान गोलियों लगण सबब धनार मोहम्मद रफीक मारजी वियो करीम बख्श सख्त जख्मी थी पियो जैके कंबर अस्पताल मुंतकिल कयो वियो आहे एक भेरो बीहर अवां के कंबर में अहम खबर बुधाए रहा आहियूं गोठ राहुजा आयोठा में माल चारण के मामले तां बिन धुरन में जेड़ो थी पियो आहे नींगर धनार कतल थी वियो आहे जेने त संदस जख्मी थी पयो आहे एक भेरो बीहर अवां खे अहम खबर खां आगाह करे रहिया आहियूं कंबर वेझो गोठ राहुजा आयोठा में माल चारण जे मामले तां बिंदुरिन में छेड़ो थी पयो आहे तफसील मालूम कंदासीं कंबर मां आवाज़ जो रिपोर्टर हाकिम ख़ासील खां जी हाकिम कहिड़ा तफ़सील आहिनि आगाह कजो हाँ जी कंबर जे गेबी देर जेके काशे जाबुलू इलाके में गोठ है राहुजा आठिया में माल चारण के मामले से चांडिया बिरादरी के जो है बिन धुरन में झेड़ो थी पियो है जे सबब गोलियों लगण सबब 22 साल जो धनार मोहम्मद रफीक चांडियो जो वो कतल थी वो है संदस जो भाव है करीम बख्श चांडियो जो शदीद जख्मी थी पियो है जैके इलाज लाइ कंबर अस्पताल आंदो वियो है मकतूल जो लाश भी जो है तो पुलिस वाकियारे हंध से पहुंची पानी तावील में वी कंबर अस्पताल आंदो है उन मौके पर जो है मकतूल जो भाव है अब्दुल हफीज चांडियो जे मीडिया के बुधायो है त माल चालन के मामले तां जेका है त पांजी बिरादरी के माण्हुनि सां माण्हुनि जेको है त असांजे मथां हमलो करे मुझे भाउ के कतल कयो है बे भाउ के जख्मी कयो है अड़ो इतला जो है हद के थाने जो है जेबीदेर थाने से जो दिनो है जो इन वक्त जो है लाश जो है वो कंबर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए आंदो वो है जिसे जरूरी कार्रवाई बाद जो है वो लाश जो वारस के हवाले खास अवेट कर